नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल माय टेक डाइजेस्ट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। और आप जब ऑफलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, क्या स्टेप बाय स्टेप, मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो, और उसके लिए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, ताकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप करके उसके ऊपर बताता रहूं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, और उसके पासपोर्ट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम खोल लेते हैं। आप कोई भी इसमें खोल सकते हैं। आपने क्रोम खोल लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख दीजिएगा पासपोर्ट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, पासपोर्ट आपने लिख दिया। तो आपको जो सबसे पहला खुलेगा www.passportindia.gov.in, ठीक है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके लिए। और इस पे आपका ये इंटरफेस में आपका ये खुल जाएगा, पासपोर्ट की वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू यूज़र्स, ये देखिए न्यू यूज़र्स लिखा हुआ है। आपको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ ऑप्शंस मांग रहा है, पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है, CPV दिल्ली। तो आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपका जैसे कि डिप्लोमेट, आपका अगर डिप्लोमेट जो CPV दिल्ली होता है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसको आपका डिप्लोमेटिक जो और ऑफिशियल पासपोर्ट जो होते हैं काउंसलर से, वो उसके रिगार्डिंग आपको उसमें करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करना होगा, जैसे कि ये आप खुल जाएगा। उस सबसे पहला आपको रजिस्टर्ड करने के लिए तो आपको पासपोर्ट ऑफिस पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन आ रही है वो इसके ऊपर आ रही है आपका पासपोर्ट ऑफिस का, तो आपको सिलेक्ट करना है, आपका जो भी स्टेट है आपको सिलेक्ट करना है। तो इस कंडीशन में मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखना है, सरनेम लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, ठीक है। आपको उस हिसाब से डिटेल डालनी है, ये आपसे मांगी गई है, जैसे कि सरनेम मांगा गया है आपसे, डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है, ठीक है, ये आपको डालना है। फिर आपको एक ईमेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी आपको देनी है जो आप जिससे कम्युनिकेशन हो सके, आपको सारी मेल्स उसी के ऊपर आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको अगर यस करेंगे तो आपका जो लॉगिन आईडी है वो आपके मेल आईडी बन जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं करना तो आप इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लॉगिन आईडी आप कुछ भी दे दीजिएगा, जैसे कि मैं इसको इस कंडीशन में दे देता हूँ, ठीक है, शेखर। तो यहाँ पर आपको कुछ भी डालेंगे तो ये पहले आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है। स्पेस इज़ नॉट अलाउड, तो यहाँ पर आपको ये अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ये आपको बता देगा, ठीक है। लॉगिन आईडी इज़ नॉट अवेलेबल, तो मतलब ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लॉगिन आईडी आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, और यहाँ पर अवेलेबिलिटी आपको बता देगा। एक पासवर्ड आप उसके बाद आप इसको जनरेट कर लीजिएगा, कन्फर्म पासवर्ड। और यहाँ पर हिंट क्वेश्चन के बारे में आप कोई भी एक इसमें से एक आपको क्वेश्चन चुनना है, ताकि अगर इन केस आपको कभी लॉगिन आईडी में प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो आपसे उस समय सिक्योरिटी रीजन से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब आप लॉगिन करेंगे। ये पासपोर्ट में नहीं पूछेंगे, ये आपका लॉगिन। अब अगर मान लीजिए कई बार पासवर्ड जो होता है आप लोग भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपको आंसर देना है, यहाँ पर आपको इस तरह से रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। आपका रजिस्टर्ड होने के बाद आपके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। जब आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जाके आप जब जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेंट होम अप्लाई फॉर ए फ्रेश पासपोर्ट, रीइशू पासपोर्ट, ठीक है, अप्लाई फॉर ए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और ये सब आपके पास ऑप्शन है। आपको पासपोर्ट अप्लाई फॉर ए फ्रेश पासपोर्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि यू कैन डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ फॉर्म, ठीक है, और अपलोड द फील्ड फॉर्म
क्लिक टू अपलोड द फील्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन जैसे कि ये आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन आपको सबसे जो फर्स्ट है इसमें यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखाएगा आपको, अप्लाइंग फॉर ए फ्रेश पासपोर्ट अगर आपको करना है, ये देखिए आपको फ्रेश पासपोर्ट करना है, या रीशू पासपोर्ट करना है। अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको फ्रेश करना है तो आप फ्रेश पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, टाइप फॉर टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, एक नॉर्मल है और एक तत्काल है। नॉर्मल में क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल डेज है वो लगेंगे 21 डेज, और तत्काल में आपको थोड़ा सा फास्ट सर्विस हो जाता है आपका, ठीक है। तो मैं नॉर्मल में आपको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बुकलेट जो आपको चाहिए 36 पेज की चाहिए 60 पेज की चाहिए, ठीक है। आपको 36 पेज या 60 पेज जो भी आपको चाहिए होगी आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्लिक कर दिया, आप उसके बाद इस पर नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी एक डिटेल भरनी होगी, यहाँ पर जो आपको पासपोर्ट पे आपने नाम देना है जो पासपोर्ट के ऊपर होगा वो, आपका सरनेम, ठीक है। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको हैव यू एवर चेंज यूअर नेम, अगर आपने कभी नाम चेंज किया है येस और नो कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो नो कर दीजिए, येस कर दीजिएगा अगर किया है तो। कभी आपने जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग नाम चेंज कर लेते हैं तो वो उसके लिए है ये। आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, ठीक है। और इज़ योर प्लेस फॉर बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो आपको नो करना है, ठीक है। अगर आप इंडिया में ही आपका बर्थ हुआ है तो आपको यहाँ पर ये आपको डिटेल वाइज सेलेक्ट करना है, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, मैरिटल स्टेटस है, सिटीजनशिप्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ हो आप, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, या फिर ठीक है ऐसे आपको करना है। पैन कार्ड आपको डालना है अगर आपका है, वोटर आईडी कार्ड डालना है ये आपको डालना है, और एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको डालना है अगर आप इसमें जैसे आदि, अगर गवर्नमेंट के हैं, PSU है, आप प्राइवेट है, होम मेकर अनोड, तो काफ़ी सारी इसमें ऑप्शन सारी हैं, अपने हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो जो डिटेल मांगी है आपको वो भरनी है, ठीक है। आधार नंबर आपको देना है अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर आपका वैलिडेट भी हो जाएगा। और एक और चीज़ है विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर नॉन ECR, ठीक है। इसमें जो एक ऑप्शन मांग रहा है जो कंफ्यूज करता है, देखिए ये है, इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी येस और नो, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन होती है नो ECR कैटेगरी, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए अगर आप यू कैन टिक येस इफ़ यू फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन एंड अबव, तो ये इसमें दिया हुआ है, अगर आपको आप इनमें से किसी एक में भी आपका एक कंडीशन फॉल करती है तो आपको येस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपका आई एग्री कर देना है, और उसके बाद आप इसको डिटेल को सेव भी कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स के लिए कहेगा, मैं ऑलरेडी एक्चुअली मैंने इसमें मैं भर चुका हूँ सारा कुछ, मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, तो उसके लिए आपको फिर ये मैं इसमें करूँगा तो वो मेरा शायद नहीं दिखाएगा क्योंकि मैं लॉगिन आईडी ऑलरेडी मेरे उसी से हो चुका है। तो नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद मैं आपको बता दूँ, जो नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको जो देने हैं वो आपसे मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, अगर मैट्रिकुलेशन की आपकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, आपका मैट्रिक जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो आप डाल सकते हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपको वो डालना होगा, एक आपको एड्रेस प्रूफ में डालना होगा, जो एड्रेस प्रूफ है आपका वो आपको डालना होगा, ठीक है। वो डालने के बाद आपको इसको सेव कर देना, सेव इन द सेंस कि आपको रजिस्टर्ड कर देना है। रजिस्टर्ड में उस आप डिटेल डालेंगे तो उसके बाद आपसे ये जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ जाके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो और जब आप डॉक्यूमेंट डालेंगे तो उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, आपके वहाँ के एरिया का पासपोर्ट ऑफिस दिखाएगा कि आपका कहाँ पर पड़ता है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में तो जोन पड़ते हैं अलग अलग, तो यहाँ पर जैसे ईस्ट दिल्ली में अलग से है, साउथ दिल्ली में अलग से है, तो आप अपने जोन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट में ऐसा होता है कि स्टेट का दिखाने लग जाए, स्टेट का जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको ये दिखा देगा कि आपका पासपोर्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है।
ठीक है। तो आपको वहाँ अपने डॉक्यूमेंट अपलोड ऑनलाइन करने के बाद इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और आपको जो सुटेबल डेट है आपकी, जो आपको लगता है कि आप सुटेबल डेट है आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन यहीं पर ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो आपको सेलेक्ट करके इसकी ऑनलाइन पेमेंट करके इसमें आपको अप्लाई कर देना, और ये आपका उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो आपका ऑनलाइन का काम खत्म हो जाता है, और उसके बाद क्या होगा कि आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, आपने टाइम ले लिया, सुटेबल टाइम ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और आपको उनकी एक एक फोटोकॉपी लेके आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा, जो भी आपके उधर पासपोर्ट ऑफिस आपको पड़ेगा, ठीक है, वो जो भी है आपका, तो वहां आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस में। आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, तो वहां पर आपको जो फर्स्ट स्टेप होगा, तो आपको वहां पर जाके टोकन लेना पड़ेगा। टोकन इन द सेंस कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट तो ले रखी है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखी है, टाइम ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वहां पर मतलब काफी भीड़ होती है, तो वहां पर टोकन लेना पड़ता है, जिसमें आपको कुछ एक नंबर दिया जाता है डॉक्यूमेंट चेकिंग करने के लिए। लेकिन टोकन के लेने के दौरान ही आपको फर्स्ट स्टेप वहीं पर ही आपका चेकिंग हो जाता है। आपसे जब आप वहां पर जाएंगे, आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और एक एक फोटोकॉपी ली जाएगी, आपको वहां पर सबमिट करना होगा। तो वो तो एक फर्स्ट स्टेप होगा जहां पर आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। तो उस डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद, उसके बाद आपको एक और रिसिप्ट दी जाएगी, जिसमें आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा, क्योंकि वहां पर अलग अलग काउंटर्स, बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका काउंटर्स, आपका जो नंबर है किस काउंटर पे आएगा। वो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा, वहां पर आपको फिर दोबारा उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। तो आपका जब नंबर आ जाएगा, आपको उस काउंटर पे जाना होगा, आपसे फिर वहां पर जब जाएंगे, तो उसके बाद आपसे दोबारा डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, जो आपने सबमिट किया, आपका आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ का वो मांगा जाएगा, और उसके बाद वो वेरीफाई करने के बाद आपकी जो फिंगरिंग्स हैं वो स्कैन की जाएंगी, जैसे कि आधार में होता है, आपकी आई स्कैन की जाएंगी, और आपकी फोटो वहीं पर ली जाएगी जो कि पासपोर्ट पे आपको लेना होगा। और वहां पर आपका जो सेकंड स्टेप होगा, वहां पर वेरीफाई होने के बाद, वो आपको थर्ड स्टेप के लिए एक बार और आपको जाना होगा, वो वहीं पर आपको बताएंगे कि आपको कौन से काउंटर्स पे जाना है। आपको वहां तीसरे काउंटर्स पे जाना होगा, जहां पर आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, आपको डॉक्यूमेंट वहां पर वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, फिर वही प्रोसीजर होगा, आपसे वही सेम डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। एक बार वहां से वेरीफाई होने के बाद वो फाइल आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और फाइल तैयार होने के बाद वो आपको वहां काउंटर पे जमा करवा देनी है आपको, और काउंटर पे जमा होने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी कि हाँ भी आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हफ्ते से 10 दिन के बाद, जब आपने जमा करवा दिया, उसमें आपने जमा आपने फाइल जमा होगी, उसके बाद आपका वो जो आपका लोकल एरिया का जो पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर आपको वेरिफिकेशन के लिए वो फाइल जाएगी, कि आपकी चेकिंग होगी, एक वेरिफिकेशन होगा पुलिस वहां के लोकल थाने के थ्रू। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर वो फाइल वहां पहुंच जाएगी, और वहां फाइल जाने के बाद आपको, उससे पहले आपके वेरिफिकेशन करने से पहले, आपके पास लोकल पुलिस वाले का फोन भी आएगा, जो भी वहां का इंचार्ज होगा जो वेरिफिकेशन करता है, ठीक है, आपको आपसे सुटेबल टाइम लेगा, और हो सकता है कि आपके पास मैसेज भी आए कि हाँ आपका फाइल का प्रोसीजर क्या चल रहा है वहां पर, क्योंकि फैसिलिटीज भी मिलती है आपको, तो आप लेना चाहे 45 रुपीज पे करेंगे आपको पासपोर्ट ऑफिस में, तो आपको मैसेज की जानकारी भी मिलेगी, अदरवाइज आप उसको ऑनलाइन तो आप उसको ट्रैक कर ही सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे ही आएंगे, आप उनको पुलिस वाले को सुटेबल टाइम दे दीजिएगा, आपके वही सेम डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, अपना वो फॉर्मेलिटी करेंगे, और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि आप बेसिकली वहां पर रहते हैं नहीं रहते हैं, या फिर जो भी अपना ही वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसीजर है, वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसीजर होगा, ठीक है। जब वहां से आपका पुलिस वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा, तो उसके बाद वो वहां से रिपोर्ट, जो एसपी थाने से पुलिस वगैरह वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट ऑफिस जाएगी, वहां पर ओके होने के बाद, आपकी वेरिफिकेशन जब एक बार ओके हो जाएगी, तो आपका पासपोर्ट के लिए इनिशिएट कर दिया जाएगा पासपोर्ट ऑफिस से, ठीक है। तो 10 से 15 दिन के बाद, उसके बाद आपका पासपोर्ट बनके पोस्ट से, बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा। तो इस बीच में आप क्या कर सकते हैं कि आप सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, आपका क्या है प्रोसीजर क्या है, आप जैसे कि आपने पासपोर्ट जमा करवाया, उसके बाद आपके जो नंबर मिलेगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, वो आप डाल के वेबसाइट पे आप उस पर चेक कर सकते हैं आपके फाइल का क्या स्टेटस है। तो उसमें जैसे अलग अलग स्टेटस जैसे जैसे होगा, वो आपको दिखाता रहेगा कि हाँ भाई आपकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गई है, वहां पर
इस तरह से अंडर प्रोसीजर है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, और एसपी थाना से ओके होने के बाद ये इनिशिएट हो गया, और ये प्रोसीजर है कि आप सारा कुछ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और 15 दिनों के अंदर आपके घर पे बाय पोस्ट पासपोर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल रहेगी, आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं इस तरह की अपडेट्स जो भी हैं आपको मिलती रहे। तो तब तक गुड बाय दोस्तों।